मैं एक हिंदू का बच्चा हूँ, ये 3000 वोट इनको मिलने जा रहा है। मैं वादा करता हूँ मुझे कोई भी लोभ लालच किसी पैसा का नहीं है, और बचपन से आज तक ले मैंने पैसा कमाया तो गरीबों को लुटाया, ये मेरा इतिहास है। पहले विकास नहीं था, अब विकास होने वाला होगा। ये ढाका नगर परिषद का जो है कि विकास अच्छे ढंग से होगा। ये जुल्फिकार भाई जीरो से हीरो बने हैं, तो हमको ऐसे ही आदमी चाहिए। मान करे कि इनका समर्थक आगे हुआ, चेयरमैन बने कि ताकि ढाका का भविष्य आगे। जुल्फिकार आलम दिखाई दिए, इस वजह से हम लोग इनके साथ हैं, क्योंकि ये जो है विकास के नाम पर ही, सेवा के नाम पर ही यहाँ चुनाव मैदान में कूदे। आज तक मेरे 11 नंबर वार्ड में किसी तरह का विकास नहीं देखा, लेकिन हमारा जो है जुल्फिकार बाबू विकास करेंगे, और हम लोग जीत के तरफ अग्रसर है और जीत के बताएंगे भी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रंग लाएगा मेहनत जुल्फिकार साहब, हर वार्ड में भ्रमण खुद कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी हम ढाका नगर परिषद में हैं, और यहाँ पर एक मजबूत प्रत्याशी, जिस पहले भी मैं बताया था कि एक मजबूती के साथ दावेदारी है, जुल्फिकार आलम जो यहाँ पर सभापति के प्रत्याशी हैं, यानी चेयरमैन प्रत्याशी हैं। इनके समर्थकों की भी काफ़ी भीड़ है, समर्थक आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और जीत की अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं। देख सकते हैं ये सभी हिंदू धर्म समाज के लोग हैं, यहाँ दिखाइए, हिंदू धर्म समाज के लोग हैं जो अग्रिम बधाई दे रहे हैं, जीत की बधाई दे रहे हैं। सभी लोग आए हैं और आशीर्वाद के तौर पर यहाँ पर पहुँच करके आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कुछ समर्थक से हम सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जकाउल्ला। अताउल्ला साहब कहाँ के हुए, कितने नंबर वार्ड के हुए? 7 नंबर। कैसा लग रहा है, क्या रुझान लग रहा है आपके जुल्फिकार आलम? अच्छा लग रहा है। ढाका नगर परिषद में जिस तरह का विकास होना चाहिए, कुछ विकास नजर आया है आपको ढाका नगर परिषद? पहले विकास नहीं था, अब विकास होने वाला होगा या विकास। क्या नाम है आपका? नंद किशोर राम। जी कितने नंबर वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 5 से हम हैं। वार्ड नंबर 5 के हैं। कैसा लग रहा है जुल्फिकार आलम का माहौल? जी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि ढाका नगर परिषद का जो है कि विकास अच्छे ढंग से होगा। क्या नाम हुआ? लाल बाबू शाह। जी बताइए, जुल्फिकार आलम जो है एक दावेदारी कर रहे हैं, चेयरमैन प्रत्याशी है, सभापति उम्मीदवार हैं, क्या माहौल लग रहा है इनका? हम तो 5 नंबर वार्ड से, ढाका नगर परिषद से, और जुल्फिकार जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस बार तो हम लोग को ये साल की इलेक्शन में हम लोग को जानकारी हो रहा है कि चेयरमैन कौन बन रहा है और कैसे बना रहे हैं। तो हम जुल्फिकार जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार ढाका नगर परिषद का चेयरमैन हमारे जुल्फिकार भाई साहब ही रहेंगे, ये मेरा वादा है। ये जुल्फिकार भाई जीरो से हीरो बने हैं, तो हमको ऐसे ही आदमी चाहिए जो जीरो से हीरो बना है, यानी नरक को नगर तक पहुंचाने का काम करेंगे और सब दुख दर्दों को समझेंगे। और एक बाइक डायरेक्टली को हीरो बनता है तो हमको नहीं समझता है कि हम गरीब है कि क्या है। यहाँ जल जमाव की समस्या काफी गंभीर मुद्दा है आपके नगर परिषद का, इनके द्वारा कुछ सुधार होगा? होगा, जरूर होगा। इस बार आएंगे नगर परिषद में चेयरमैन बनकर तो सारे समस्याओं को हल करेंगे। देखिए, लाल बाबू शाह है जो जुल्फिकार आलम के यानी प्रत्याशी के गहरे मित्रों में से है, और आकर के बधाई दे रहे हैं, मजबूती के साथ बधाई दे रहे हैं। मित्र के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, आज से नहीं 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, इनको तो जानबो नहीं करते थे लेकिन जुड़े हुए हैं तब से। भगवान करे कि इनका समर्थक आगे हुआ, चेयरमैन बने कि ताकि ढाका का भविष्य आगे। तो देखिए, ये सभी समर्थक हैं और हिंदू समाज से आते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और जीत की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, अब वाकई विकास होगा, नगर परिषद का रूपरेखा बदलेगा? मैं अशोक कुमार सिंह, वार्ड नंबर 11। मैं सबसे पहले STV न्यूज़ वाले को धन्यवाद दे रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचे हम लोग की बातों को सुनने के लिए। और यह चेयरमैन का चुनाव जो है पहला दफ़ा हो रहा है सरकार के द्वारा, इसके पहले जितना भी हुआ उठाक पटक हुआ, और जिसके चलते 20 साल पीछे ढाका बैक हो गया। यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, अतिक्रमण है ढाका में काफ़ी, उसके अलावे जो है सो नाली का व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन का व्यवस्था में भी जो लोग बिचौलिया लोग पैसा लेता है, इंदिरावास में पैसा लेता है। तो हम लोग को चुनाव करना है एक अच्छे उम्मीदवार का, और उस अच्छे उम्मीदवार में हम जितने उम्मीदवारी अभी जता रहे हैं सबसे बेहतर जुल्फिकार आलम दिखाई दिए, इस वजह से हम लोग इनके साथ हैं, क्योंकि ये जो है विकास के नाम पर ही, सेवा के नाम पर ही यहाँ चुनाव मैदान में कूदे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ हम उगाही करेंगे या कमाएंगे दो पैसा, ये लोभ लालच इनको नहीं है। प्रत्याशी के साथ हम लोग हैं,
जो आने के बाद चेयरमैन के कुर्सी पर ढाका का विकास इतना करेंगे कि बिहार में हमारा ढाका नगर परिषद एक जो है सो आदर्श पेश करेगा और बहुत बढ़िया जो है सो ढाका नगर परिषद का हमारा नाम होगा, ढाका का विकास होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। लग रहा है कि विकास होगा, नगर परिषद की रूपरेखा बदलेगा। जी मैं रोहित बाबू, मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि आज जो भी प्रत्याशी हैं फील्ड में या वर्तमान में नगर परिषद के जो भी हैं, वो नगर परिषद तो कम लेकिन नगरक परिषद ज़्यादा मना दिए हैं। आज अपनी कुर्सी लेने के बावजूद भी ढाका का विकास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जुल्फिकार भाई एक ऐसा शख्स हैं जो राजनीति में न रहते हुए भी गरीब दुखियों को देखना, मजबूरों लाचारों की सहायता करना इनका फितरत है। रही बात राजनीति में आने की, जो इंसान शुरू से गरीब को देखना और मजबूरियों को सहारा देते हैं तो क्या वह राजनीति में आएंगे तो ढाका का विकास नहीं करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं एक हिंदू का बच्चा हूँ, ये 3000 वोट इनको मिलने जा रहा है उससे कम नहीं मिलेगा और इनकी जीत पूरे ढाका वासियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करेगी, ये आप लिख करके रख लीजिए। लोगों का भीड़ क्या बता रहा है? देखिए सर, कहने के मकसद है कि 10 बरस 15 बरस जो है कि यह जो है नगर पंचायत हुआ शुरू हुआ, लेकिन आज तक ढाका का कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ यही कि जुल्फिकार बाबू जो हैं कि इन साल जो है कि नए नए जो है हमारे ढाका की विकास करेंगे, हम लोग उनको समर्थक दे रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। नगर परिषद का जो है कि चुनाव लड़े थे, हम तो हारे हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन आज तक मेरे 11 नंबर वार्ड में किसी तरह का विकास नहीं देखा, लेकिन हमारा जो है जुल्फिकार बाबू विकास करेंगे, मैं यह उम्मीद रख कर मैं इनका सहयोग करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, हम तो शुरू से हैं एकदम खुल का समर्थन है ढाका के, यानी हीरो दिलीप कुमार है, क्या कहेंगे? लगातार प्रत्याशी के साथ आपका भ्रमण चल रहा है, घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? तो हम लोग तो इनके साथ तन मन धन से है और हम लोग जीत के तरफ अग्रसर है और जीत के बताएंगे भी। और ढाका का चौतरफा विकास चाहिए तो जुल्फिकार जी को लाना पड़ेगा। जीत वाला सेहरा सजाया जाएगा इस बार, फातिमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर जमाल हैदर हैं, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर के प्रत्याशी के साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है मेहनत कितना रंग लाएगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा रंग लाएगा मेहनत। जुल्फिकार साहब वार्ड में भ्रमण खुद कर रहे हैं और देख सकते हैं जुल्फिकार आलम है जो सभापति प्रत्याशी है, चेहरे पे लगातार मुस्कुराहट के साथ ये घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग आकर इनको बधाई दे रहे हैं, जीत के अग्रिम बधाई दे रहे हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि हिंदू धर्म समाज के लोग जो है आकर के बधाई दे रहे हैं, लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है आपसे, इस तरह से काम करेंगे बहुत अच्छा काम होगा। तो अभी जो हमारे रोहित भाई जो बोले हैं कि 3000 तो हिंदू परिषद का वोट मिलने मुझे जा रहा है, तो कोई खुल करके है सब आदमी तो नहीं खुलेगा, लेकिन वोट तो यानी कि मुझे पक्का उम्मीद है कि मिलेगा पूरा भरपूर, यानी कि हिंदू समाज का वोट मुझे मिलने अपना जाति का छोड़ करके। तो इंशाल्लाह चुनाव में रहते निश्चित जीत है, हम मेहनत कर रहे हैं, सब लोग इस वक्त भी हर गांव में दे रहे हैं, लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आप काम करेंगे, आएंगे, लोगों के विश्वास पर कितना खरा उतरने का काम करेंगे? पूरे काम करेंगे, जो नगर में काम जो सोचा नहीं उससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे, अगर हम जीते हैं तो नगर को स्वर्ग। और मैं वादा करता हूँ मुझे कोई भी लोभ लालच किसी पैसा का नहीं है, और बचपन से आज तक ले मैंने पैसा कमाया तो गरीबों को लुटाया, ये मेरा इतिहास है। जब से 15 साल से उम्र से लेकर के अभी 47 साल मेरा उम्र हुआ अभी तक ले, यानी कि जिसका भी अमीर गरीब में हो, शादी हो, ब्याह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सब में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा देता हूँ, जबकि ये मेरा इतिहास है। तो देख सकते हैं जुल्फिकार आलम है जो सभापति प्रत्याशी है और जीत की अग्रिम बधाई दे रहे हैं, मिलने वालों का तांता लगा हुआ है और ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि जिस तरह से जनता मुझे जिस निगाहों से देख रही है, हम काम करने का काम करेंगे और उनके विश्वासों पर खरा उतरने का काम करेंगे। क्या कुछ होगा, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो एसटीवी न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बहुत धन्यवाद।